स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। एक छोटा बच्चा था, सब में ज्ञान है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगा। कौए के पास रेंगता रेंगता गया तो कौए ने भी सोचा, छोटा बच्चा है, उनको पता है सब, सांप को पता है काटूंगा मर जाएंगे। आपने देखा एक सांप को, काले कोबरा को एक बच्चा खेल रहा था उसके साथ, मुंह में भी डाल रहा था, तो वो कौए के पास जब पहुंचा, कौआ भी उसको यूं देख रहा था, जैसे मैंने हाथ यूं किया कौआ उड़ गया, इतना क्लोज बैठा था। मैं आपको बताता हूँ, रांझड़ी में गिटारियाँ हैं, वो गिटारियाँ अभी कम दिख रही हैं, उनको एक आदत पड़ गई नमकीन खाने की, सेवियाँ दाल वो तल के निकालते, उनको ये आदत पड़ गई, तो दो तीन गिटारियाँ उसको खाने के लोभ में पाँव भी जला बैठी है, वो लंगड़ी है, एक ही टांग है। जिन्होंने देखा हो रांझड़ी में, इस पर काफ़ी कुड़ियाँ सेवा करने आती हैं, देखा हो हाथ खड़ा करो, चलो कोई नहीं इसमें, पर है अभी नहीं दिख रहे कुछ दिन से। तो मैं क्या करता था, उनको कुछ खिलाता था, मेरे पैर तक आ जाती है नज़दीक, और खाती थी, फिर एक बार ऊपर देखती थी, उनको ये क्लियर हो गया ये आदमी हरकत नहीं कर रहा फालतू। आपने टीवी में भी देखा, मगरमच्छों के साथ खेलता था एक इंसान, जिन्होंने देखा हाथ खड़ा करें, अभी वो गुम हो गया कुछ दिन से, शायद कोई मगरमच्छ खा लिया। इसलिए जहरीले खूंखार जानवरों से दोस्ती नहीं करना, दूरी करना। वो मुझे देखती थी, इस तरह उनको सब पता है, हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो बचपन में बच्चा सोचता है, ऐसा ही व्यक्तित्व है, ये क्या है संसार, ये चांद क्या है, उसको सब नवीन लगता है। पर वो वाणी, उस बच्चे ने फिर माँ को बताया क्या बोला, मम्मी हैं, वो नहीं कह सकता उड़ गया, लेकिन उसने आंखों से तो देखा तो ज्ञान आएगा ना, बोला ये उड़ गया। मैं अपने कंपस में खड़ा था, गेट के पास से देख रहा था, वो बच्चा कौए तक गया, कौआ उड़ गया। मैं उसकी माँ को कहा ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि ये देखो वाणी नहीं है पर इशारे से अपना पूरा काम चला रहा है, सब सब सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना, ये चेतन आत्मदेव सब में बैठा हुआ है, सिर्फ अकलमंद कम अकलमंद ये बुद्धि का खेल है। जैसे किसी के बाजू मजबूत हैं किसी के कमजोर हैं, इसी तरह किसी का दिमाग मजबूत है किसी का कमजोर है, बस बात इतनी है। तो साहब कह रहे हैं, काल निरंजन निर्गुण राय तीन लोग जय फिर दुहाई, सात दीप पृथ्वी नौ खंडा सप्त पताल इक्कीस ब्रह्मंडा, ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिलकर है काल की सेवा। देख लिया, सबको आधीन किया, देव ऋषि मुनि सबको, 84 लाख चोनी खानी, पशु पक्षी जलथल विस्तारा, वन पर्वत जल जीव अपारा, काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष नाम का चिन्ह मिटाया। 70 युग ऐसे चल गए, वो पुरुष शब्द एक चित्त में चले, तभी पुरुष ज्ञानी से कहे धर्म आय अति प्रबल भयो, यह तो अंश भया बरियारा, बोला ये एक भी जीव वापस नहीं आया हमारा, तीन लोग जीव की नहारा, ताहे मार के देव पठाई, जग जीवन को ले छुड़ाई, कहा जाओ ज्ञानी जीवों को छुड़ा के लाओ। साहब को क्यों भेजा, अपने को मत कर, तो साहब को निकाला था ना, बाकी बोला 16 में से कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता, वो खुद अडोल अबोल अविचल है, अपने पैंट से नहीं हिलता। मुसलमानों की ये बात तो बड़ी अच्छी है, वो कहते खुदा कभी धरती पर आया नहीं न कभी आएगा, मुसलमान क्या कह रहे हैं,
इस आइडियोलॉजी को मुस्लिम भी नहीं जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। हजरत मोहम्मद साहब को साहब ने ज्ञान दिया। हर इंसान को अंतःकरण से एक सिग्नल मिलता है, एक संदेश मिलता है। कभी कभी इंसान क्या कहता है कि भाई, एक मन कहता है ये काम करो, एक मन कहता है नहीं करो काम। नहीं, आपके पास मन दो नहीं है। आदमी ये भूल में है, मन दो नहीं है। आपकी आत्मा ज्ञानमय है, आपको मैसेज मिलते हैं ये गलत है, ये सही है, पर आप सोचते हैं ये मेरा एक मन कह रहा है एक ना। मन हमेशा नेगेटिव है, पर आत्मा पॉजिटिव है, आत्मा नित्य है। आपका मन जब कुछ कहता है ये करो, आपकी आत्मा आपको एक सिग्नल देती है, पर वो कोई ऐसे नहीं, वो सब तरंगों से मैसेज आते हैं। पहले जो न्यूटन ने दुनिया को धरती घूम रही है इल्म दिया, ये कहाँ स्टडी किया था, उसको किसने पढ़ाया था, अंदर से ही तो निकला ना। तो इस शरीर के अंदर पूरे रहस्य भरे पड़े हैं। बस गोताखोर समुद्र में मोतियों को प्राप्त करने के लिए डुबकी लगाते हैं। अगर दो चार डुबकी में कुछ नहीं मिला तो मत कहना समुद्र में मोती नहीं है। तुम बार बार प्रयास करो, अंत में यशस्वी भी होंगे। इसी तरह इसमें रिद्ध सिद्ध के भंडारे हैं। आपके कभी कभी जो होने वाला है आपको पहले पता चलता है, पर आप ये नहीं समझ पाए कि मुझे किसने मैसेज दिया ये होने वाला है। जब वो घटना हो जाती है तब आप कहते हैं ओ ये तो हो गया, पर वो ऐसा नहीं आता है, साइफर मैसेज की तरह आएगा। जैसे आप कुछ ऐसी गलती करने जाएंगे, अंदर से एक तरंग आएगी मत करो। तो इंसान क्या कह रहे हैं, हमारा ये जो ब्रेन है ना, आप दिमाग पर नहीं चलना, ये बहुत शत्रु है। मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन अंतःकरण आत्मा की ताकत गई नहीं है। आत्मा जो कि त्यों है, वजह सुनो, उसमें से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, उसमें कुछ भी डाला नहीं जा सकता। जो चीज़ न्यूनाधिक होती है, जिसमें से कुछ निकालो वो ख़त्म हो जाएगी फिर, और जिसमें डालो बढ़ेगी। इसलिए आत्मा कमती बढ़ती नहीं, आपकी आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा स्वयं ज्ञानमय है। इसलिए आत्मा की नेचर यह ज्ञान और अविनाशी चेतन, ये आत्मा की नेचर है। पर आत्मा इस शरीर के अंदर है। इसलिए जो भी, मैं एक सवाल पूछता हूँ, महात्मा बुद्ध कहाँ पढ़े थे? कहीं भी नहीं पढ़े, वो एकाग्र होकर के अपने अंदर की ताकत को जगाया। आनंद ने उनसे एक सवाल पूछा था, पर इसके लिए एक दर्शक की आवश्यकता है जो हमारे अंदर उस ताकत को जगा दे। तब साहिब वाणी में कह रहे हैं, सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। एक बात याद रखना, जो कंसंट्रेट है वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा, और इंटेलिजेंट की एक पहचान है, पहली बात यह है उनकी मेमोरी अच्छी होगी। आप अपनी मेमोरी अच्छी या ख़राब कैसे करेंगे? जितना नेगेटिव सोचते रहोगे आपकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप गलत खाओगे तो आपके शरीर पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार से जब आपकी थिंकिंग जो है अगर रॉन्ग होती जाएगी तो आपकी बुद्धि, आपका मेमोरी, आपका टैलेंट ख़त्म होता जाएगा। इसलिए आप पॉजिटिव सोच रखें हमेशा अपने अंदर, अपने अंदर आप तो वो क्या करते हैं, अपने को साध लेते हैं। जब अपने को साध लेते हैं तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। आत्मा में कहीं ज्ञान आहुत नहीं करना है, है ही है भाई। पानी में शीतलता थोड़ी ढूंढना है, वो तो उसकी नेचर है। आग में ऊष्मा नहीं ढूंढना है, वो तो उसके अंदर कंटेन है। इसी तरह आत्मा में ज्ञान परिपूर्ण है, तभी तो साहब कह रहे हैं सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, सिर्फ एक वैज्ञानिक ग्रेजुएट था, कोपरनिकस, बाकी कोई पढ़ाई नहीं था, वो अंदर से निकल आया। जेम्स वाट क्या पढ़ा था, जिसने इंजन दिया। राइट ब्रदर्स क्या पढ़े थे, जिन्होंने संसार को कई चीज़ें दी। एलेक्जेंडर क्या पढ़ा था, जिसने कम्युनिकेशन दिया दुनिया। तो इस तरह आप अपने आपके अंदर अद्भुत खजाना भरा पड़ रहा है। तभी तो साहब अपनी वाणी में ये कह रहे हैं एक बात, भाई सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। बस जय खो जाते हैं पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं भौरी बुरंडरी रही किनारे बैठ। इसी में विवेक भी भरा पड़ा है, इसमें ज्ञान का स्रोत भी है। विष अमृत रहते के संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। इसमें विष भी भरा है, इसमें अमृत भी भरा है। आपको किस चीज़ की खोज करनी है, सब कुछ इस काया में भरा पड़ा है, बस डुबकी लगाने की आवश्यकता है। और ये गुरु के बिना
तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसिक के, राहे निजात दूर हैं उस पार देखना, देखना तो है तकी दुश्वार ऐ मगर, दुश्वार तो है दुश्वार देखना। इसलिए जब आदमी एकाग्र हो जाता है तो स्वयं ही इस तरह, अगर आपको दुनिया कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान, अगर आप आत्मनिग्रह हो गए, आत्मा को समझ लिया, तो उसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। आत्म तत्व को, उस परमात्मा को जानने के बाद बाकी कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। तो साहब क्या करें, कबीर एको जानिया, अगर एक जान लिया तो जाना सब जान, समझना पूरा ब्रह्मांड आपने जान लिया। कबीर एको एक ने जानिया, अगर उस एक को नहीं जाना, सब जाना जान अजान। आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें रहेगी, मैं आपको बताता हूँ, वो आत्मज्ञानी क्या होता है। यही बात राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछी, कहा है गुरुवर आत्मा का ऐसा सौरभौम में क्या है, खूबी विशेषता या जलवा, कि जिसे देखने के बाद फिर मनुष्य संसार सागर से भारी हो जाता है। देखो क्वेश्चन कैसा है, इसलिए सब आत्मज्ञान चाह रहे हैं ना। बोला आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान में ऐसा आत्मा का क्या जलवा है कि आत्मा को जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। बोला हाँ हे राम, मैं वो बताता हूँ क्या होता है। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल पूछा, कहा गुरुजी आत्मज्ञानी की पहचान बताओ। मैं कहा जो दुनिया के अंदर किसी भी आनंद को ढूंढ नहीं ढूंढ रहा है, चेक करना, दुनिया के अंदर हम जो आनंद ढूंढते हैं, दुनिया के आनंद का उपभोग करने का सूत्र क्या है हमारे पास, हम भौतिक संसार में आनंद कैसा चाहते हैं, इंद्रियों का ही ना। इसलिए जो संसार का कोई भी आनंद नहीं चाहता है उसको परखना, वो आत्मज्ञानी हो, वो आत्मज्ञानी। ऐसा क्यों, आत्मज्ञानी जानता है ये दुनिया इंद्रियों के अज्ञान और आनंद के कारण ही अपने रूप को भूल गई है। आत्मा स्वत परिपूर्ण है, न उसे भूख लगती है, न उसे प्यास लगती है, न वो जन्मती है, न मरती है, न हल्की है, न भारी है, नित्य हैं। और आत्मा में कोई भी चीज़ इंक्रीज नहीं हो सकती, कुछ नहीं डाला जा सकता, कुछ निकाला नहीं जा सकता, अपने में परिपूर्ण है, कंप्लीट परिपूर्ण है। जैसे कहते हैं संतुलित भोजन में दूध अपने में परिपूर्ण है, इसलिए तो छोटा बच्चा साल भर तक जब उसको दांत नहीं आते माँ का दूध पीता है, विकास होता है कि नहीं उसका। इसी प्रकार आगे सुनो, मैं इस तथ्य को बारीकी से समझाऊंगा, सुनना। बोला हे राम, आत्मा इस संसार में बंधन में क्यों है, देहाध्यास मैं शरीर हूं इसलिए, और मन के कारण, मन के कारण। जब इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका देहाध्यास खत्म हो जाता है, मैं शरीर हूं ये खत्म हो जाता है। क्यों, आत्मा का ऐसा रूप है जैसे भ्रमवश हम रस्सी में सांप की कल्पना करते हैं, सांप है, डर जाते हैं, ये भय भ्रमांक था, अज्ञानमय था। अगले पल जब हम ये जान जाते हैं, ओ ये तो रस्सी है, अब भय खत्म हो जाएगा। हम उसके बाद अगर खुद भी चाहें कि अब इसको हम सांप समझें और भय भी तो है, वैसा हो पाएगा नहीं। क्यों, अभी ज्ञान हो गया कि वो रस्सी है, अभी ज्ञान हो गया कि वो रस्सी है, पहले तो ये था कि शायद सांप है। आप कोशिश करो ना फिर सांप समझो, हमें होगा क्या इस तरह। है राम, आत्मा देखने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है, वो जानता है मैं तो आत्मा हूँ, इसमें फंसा हूँ, बस इसमें हूँ, इसलिए शरीर में रहता हुआ भी जीवन मुक्त है, फिर वो दुनिया का कोई आनंद नहीं ढूंढता।
मैं आपको उदाहरण दूं, ये अहंकार नहीं समझना, आत्मज्ञान की परिभाषा। मैं उस कुल्ली में 28 साल गुजारा, जब बरसात गिरती थी तो सरकंडा सड़ता था, बदबू भी आती थी। एक मिनिस्टर आया, उन्होंने अच्छी बात बोली मुझे। मैंने बोला भाई देखो, आपका क्षेत्र है, यहाँ थोड़ी पानी की समस्या है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, एक नल लगाओ। आपको बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं बोलूँगा, एक नल का लगाओ। बोला महाराज देखो, आप ज़्यादा नहीं बोलो, मैं समझता हूँ। मैं 27 साल से आपको देखा, आपने इतने बड़े बड़े कंपस बनाए, इसी कुलिया में रह रहे हो, आपको कुछ नहीं कहना, मैं समझता हूँ। कहाँ लगाना है मुझे बता देना, नल लगाऊँ। वो था सलतिया साहब। आपने देखो ये रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं सब, मुझे कभी देखा, कभी देखा क्या? सही बात यह है कि शरीर से बेखबर रहा हूँ मैं। कितनी भूख काट लेता था, कितना भूखा रह जाता था, पूछ लो। ये तो डॉक्टर ने मुझे कहा भाई देखो, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आखिर इस शरीर को डाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं कहा हाँ। बोला नहीं तो फिर नहीं चलेगा, आपका ब्लड 7 ग्राम रहेगा, थोड़े दिन बाद ये गिर जाएगा। मुझे इसकी फिक्र ही नहीं थी। इस तरह हैराम, ये टेक्निकल चीज़, तब वो देखता है, बस वैसा ही है। बहुरूपी आते हैं, कभी सिकंदर बनकर, कभी हनुमान बनकर, कभी राम बनकर, और वो पता है क्या होता है, वो उस समय जब घूमते हैं ये भूल जाते हैं कि मैं पंतू हूँ, जब हनुमान बन गया। अब वो पूरा बहुरूपी में खूबी है, वो पूरी एक्टिंग हनुमान वाली करता है। अगर वो पंतू वाली किया ना तो बहुरूपी का रूप ही नहीं बन पाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब एक आदमी हनुमान बन के आया था, तो उसके दोस्त ने बोला अरे तू हनुमान बना, मुझे पता है तू पंतू है। वो जवाब नहीं दे रहा था, इतने में उसने उसकी पूंछ खींची पीछे से, तो उसने कहा मत खींच, निकल जाएगी पूंछ, क्यों असली नहीं है। तब वो अपनी लाइन पर आ गया। इस तरह अगर आपने देखा ये पंतू हनुमान बन के आया, तो आपको पहले इसमें हनुमान दिखेगा या पंतू दिखेगा, चाहे वो पूरा बूथा भी यूँ किया हो, चाहे उसने पूरा नाटक नौटंकी दुम भी निकाली हुई हो, इस सब के बावजूद भी आपको क्या नजर आएगा, उसका असली रूप। इस तरह एक आत्मज्ञानी सब में वो संभव हो जाता है, सब में वो रूप देख रहा है, सब में तेरा जलवा समा रहा है, इसलिए वो भेद नहीं करता, वो समदर्शी हो जाता है। अच्छा सुनो, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। मैं कभी फिल्म देखने गया, कभी रंग रंगीले कपड़े पहने, ये मेरी सादगी कोई बनावट नहीं है। कभी स्वादिष्ट भोजन खाने गया, मैं सिर्फ पता है एक चीज़ से बड़ा चढ़ता हूँ, मिर्च नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, मुझे उबला हुआ दे दो कभी शिकायत नहीं करूँगा, जला हुआ नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं चाहिए। कहीं कब नाराज होता हूँ, जब नमक ज़्यादा, वो आँख के लिए भी हानिकारक है, बॉडी और हार्ट के लिए भी, बीबी के लिए भी। तो नहीं, कभी मैं टेस्टी नहीं खाया, इसलिए वो किसी भी इंद्री का स्वाद नहीं ले और स्किन का स्वाद नहीं ले। स्किन का क्या है, अच्छा एसी चले, कोमल कोमल बिस्तर हो। आपको अभी भी बताता हूँ, मेरा ये तो इसके बाप पिताजी आए, वो बिस्तर चेंज, खटिया चेंज की, लोहे की खटिया थी की ना उन्होंने, कोई भी वो दुनिया का मज़ा नहीं ले, वो जान जाता है मज़े के कारण ही लोग फंसे हुए हैं, मज़ा ही सजा है। इसलिए वो संसार में इसलिए जीता है कि दूसरों को मैं आत्मा की तरफ ले चलूँ।